प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में आपने बाढ़ की पहचान जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है का प्रथम पद पढ़ा था। प्रथम पद का भावार्थ जाना था। आज मैं पूरी कविता का भावार्थ सारांश रूप में बता रही हूँ। आपकी कविता जो है वह है पूर्व चलने के बटोही बाढ़ की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। कवि हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं, जब भी हमें किसी मार्ग पर चलना होता है तो उसके पूर्व ही अर्थात चलने के पहले ही हम अपने पथ की पहचान कर लेते हैं। उस पर चलने के बाद हम निर्णय नहीं लेते हैं, चलने के पहले ही हम उसके बारे में सोच विचार कर लेते हैं, उसके बाद चलना आरम्भ करते हैं। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोर पैरों की निशानी। कवि कह रहे हैं कि इस राह पर बहुत सारे महापुरुष आए और चले गए, उनका कोई पता नहीं, लेकिन जितने भी महापुरुष इस पथ पर चले हैं, इस राह पर चले हैं, अपने पैरों की निशानी वह छोड़ गए हैं। वह यह निशानी मूक होकर, यह निशानी मूक होकर ही बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थपंथी, पंथ की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि ने कहा है, यहाँ पे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं, जो महापुरुष इस राह से चले गए उनका कुछ पता नहीं, बहुत सारे महापुरुष आए इस धरा पर और इस मार्ग से आगे बढ़ते गए उनका पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं जो अपने पैरों की निशानी अर्थात अपने पैरों के पदचिन्ह छोड़कर गए हैं। और ये पदचिन्ह क्या है? ये जो निशानी है यह चुप है, मूक है, कुछ बोलती नहीं है, फिर भी यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बयां करती है, वो हमको राह दिखाती है। इस राह से वो गए हैं, ये निशानी हमें बताती है कि इस राह से वे गए हैं। तो उसका अर्थ यानी ये पदचिन्ह जो है वह तो मूक है, वह तो बोलते नहीं है, वह तो चुप है, मौन है, लेकिन इस मौन का अर्थ हमें खुद ढूंढना होगा और इस पंथ का आगे रास्ता हमें खुद निकालना पड़ेगा। इसीलिए कवि कह रहे हैं, खोल इसका अर्थपंथी, पंथ की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अर्थात यह जो निशानी है इस निशानी का अर्थ ढूंढो, ऐ पथिक, ऐ रागी, ऐ रागी, ऐ बटोही, इस मूक निशानी का अर्थ तुम ढूंढो और इस पर चलने से पहले अपने मन में विचार कर। यहाँ पर बटोही, बटोही का अर्थ हो गया बटोही अर्थात राहगीर, राहगीर के बाद और बात आई है जवानी, जवानी का अर्थ हो गया मौखिक। फिर देखिए क्या आया है, निशानी, निशानी अर्थात चिन्ह। फिर है आपका मूक, मूक तो चुपचाप रहे, नहीं बोले, या फिर मौन, चुपचाप भी बोल सकते हैं या मूक करते हैं, जो एक तरह से क्या कहते हैं, मूक हो गया है, गूंगा हो गया है, यानी कुछ नहीं होता है। हाँ, चुपचाप। फिर है आपका पंथ की पहचान करके, पंथी, पंथी का अर्थ क्या हो गया? इसका भी अर्थ कही पर जो बटोही का अर्थ हुआ वही पंथी का ही अर्थ हुआ। बटोही का रागी, पंथी का भी रागी या पत्ते राहगीर।
समझ लिया होगा। इसमें कवि की भाषा खड़ी बोली हिंदी है, भाषा काफी सरल है और यह गेय भी है। यह कविता जो है बाट की पहचान गीतात्मक शैली में लिखी हुई है, इसे हम गा भी सकते हैं। दूसरे पद में चलते हैं। दूसरे पद में कवि ने कहा है, यह बुरा है या कि अच्छा, यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ पंथ यह पथ, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, तू इसे अच्छा समझ यात्रा इससे सरल बनेगी, सोच मत, पथिक को कह रहे हैं कवि, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, सोच मत केवल तुझे ही पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, अभी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन राहगीर को रास्ते पर चलने से पहले उन्हें सोच विचार करने तो कह ही रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि जब तुम उस रात पर रास्ते पर चलने लगते हो, चलने से पहले सोचते हो, विचारते हो, वो सोचते हो, तो फिर यह मत सोचो यह अच्छा है या फिर बुरा है, इस पर चलना अच्छा होगा या बुरा होगा, व्यर्थ, व्यर्थ का अर्थ हो गया बेकार, बेकार या फालतू। कभी कह रहे हैं यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, यानी कि यह रास्ता अच्छा होगा, इस पर चलना मेरे लिए अच्छा होगा, इस पर चलना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, इसी सोच में, इसी उधेर उन में अपने आप को रखना और इस पर काफी लंबा समय बिता देना यह ठीक नहीं है। क्या होगा, इससे हम सिर्फ सोचते रह जाएंगे। जब भी हमें कोई काम करना होता है, यह काम अच्छा है बुरा है, इस पर विचार तो करना जरूरी है, लेकिन इसी पर लगातार अपने आप को खड़े रखना, इससे आगे नहीं बढ़ना, यह क्या होगा, यह होगा हमारे समय को जाया करना, हम अपने समय को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए कभी यहाँ पे कह रहे हैं यह अच्छा है या कि बुरा है, इसी पर तुम रात दिन चिंतन मनन करते रहो, मंथन करते रहो और आगे बढ़ो ही नहीं, तो फिर यह भी तुम्हारा व्यर्थ ही जाएगा, बेकार ही जाएगा। जब असंभव, तुमको जब लगे, जब यह पथ हमको छोड़ना अब असंभव है, इस पथ पर हम चल रहे हैं, इस पर अब छोड़ना असंभव है, दूसरे पर पग बढ़ाना, यानी इस पथ को छोड़ के हम दूसरे पथ पर जाएंगे, वो भी छोड़ देंगे, इस तरह से क्या होगा, हम कभी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए कभी कहते हैं कि जिस पथ पर तुम चल रहे हो, तुमने सोच विचार कर लिया है, अब तुम उस पथ पर चल रहे हो, अब उस पथ से तुमको हटना मुमकिन नहीं लग रहा है, असंभव सा जान पड़ रहा है, तब तुम अब क्या करो, तू इसी को अच्छा समझ लो, जिस पथ पर तुम चल रहे हो अब इसी को अपने मन में तुम सोच लो कि यही रास्ता अच्छा है मेरे लिए, और तुम उस पर बढ़ते चले जाओ, तो तुम्हारी यात्रा क्या हो जाएगी, काफी सरल हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी तुम्हारी यात्रा, तुम अपने पथ में आगे बढ़ते चले जाओगे। सोच मत, आगे कभी कह रहे हैं, जब तुम निर्णय कर लेते हो, निर्धारण कर लेते हो कि हमें इस पथ पर चलना है, हम चल रहे हैं, और अब तुमने निश्चय कर लिया कि मुझे इसी पथ पर चलना है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारी यात्रा तो सरल बनेगी, लेकिन तुम यह भी मत सोचो कि इस पथ पर, यानी इस रास्ते पर तुम ही केवल चल रहे हो, तुमको ही चलना पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। जितने भी सफल पंथी हुए हैं, इतिहास के पन्नों को यदि उलट के देखा जाए, जितने भी सफल हुए हैं, सफल रागी हुए हैं, हमारे महान पुरुष हुए हैं, जितने भी, उन्होंने भी यही रास्ता चुना था और उनको भी ढेर सारी बाधाओं का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, तब जाके उनको मंजिल हासिल हुई थी। इसलिए तुम पथिक को कह रहे हैं कवि, ये पथिक तुम यह केवल मत सोचो कि तुम्हें ही इस रास्ता पर चलना पड़ रहा है, तुम्हें, क्योंकि हर सफल पंथी
यही विश्वास ले इस पर बढ़ाए। इस रास्ते पर जितने भी सफल पथिक हुए हैं, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, इस रास्ते पर अपने मन में विश्वास कर लिए हैं, अपने मन में बिठा लिए हैं कि यही रास्ता मेरे लिए अच्छा है, उचित मार्ग हमने पकड़ लिया है, तब जाकर के वे सफल बने हैं और यही सोच कर वे अपने कदम बढ़ाए हैं। और इसी पर तुम, इसी रास्ते पर या इसी विचार पर तुम अपने चित्त का आह्वान, यानी कि चित्त अर्थात अपने मन का, मन में प्रतिज्ञा कर लो कि हमको जाना ही है इसी पथ पर, निश्चय कर लो। अवधान अर्थात निश्चय, और चित्त, चित्त अर्थात हृदय मन, अपने मन में तुम यह निश्चय कर लो कि मुझे इसी पथ पर आज आगे बढ़ना है। इस पद में जो पंक्तियां, जो पद आए हैं उनको लिखिए। इसमें आया है आपका एक तो व्यर्थ आया, अब आया है चित्त, चित्त का अर्थ हो गया।